इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। पटना सिटी में नीम की भट्टी में एक विशाल मां लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली गई। इस विशाल शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष के अलावा छोटे बच्चे भी शामिल थे, जो मां लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए विभिन्न रास्तों से होते हुए भद्रघाट जाकर संपन्न हुई। श्रद्धालुओं की आंखें नम हुई। इस विशाल शोभा यात्रा में बैंड बाजे ढोल ताशे के साथ साथ समाज सेवी द्वारा जगह जगह पानी, शरबत और फल का इंतजाम किया गया था। इस शोभा यात्रा में बनारस की तरफ वैदिक पूजा की गई। महिलाएं सिंदूर लगाकर एक दूसरे का सम्मान कर रही थी। लक्ष्मी जी निकाल रहे, क्या मामला है इसका, क्या है ये? हम लोग मूर्ति का स्थापना हुआ है नीम के भट्टी मोहल्ला में, पिछले दीपावली के समय भी माता लक्ष्मी का मूर्ति का वहाँ स्थापना हुआ था। पिछले बार विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान कुछ अप्रिय घटना घट गई थी, इसलिए उसके बाद पूरे मोहल्ला वासी और पुजारी के नेतृत्व में एक बैठक हुआ था। बैठक में निर्णय लिया गया कि सर्वसम्मति से माता लक्ष्मी का फिर से क्षमा याचना के साथ पूजा करके मूर्ति का स्थापना किया जाए। तो हम लोग अगहन अमावस्या दिन मंगलवार 12 दिसंबर को मूर्ति का स्थापना किए थे। आज हम लोग वही मूर्ति का विसर्जन शोभा यात्रा में हम लोग आए हैं। इस शोभा यात्रा में क्या क्या निकाले आप लोगों ने? शोभा यात्रा में बस हम लोग माता का मूर्ति का जयकारा करते हुए आ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन का हम लोग को बहुत सहयोग मिला और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग विसर्जन स्थल तक आ गए हैं। महिला पुरुष की संख्या थी। अपना परिचय दीजिए आप। राजू गुप्ता, बसंतामन। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।